नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में फिर एक बार महिलाओं के साथ अत्याचार की घटना घटी। आजमगढ़ पुलिस लाख दावे करे कि आजमगढ़ में अपराध पर नियंत्रण कर रही है, लेकिन अपराध और अपराधी बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ताजा मामला जो आजमगढ़ के सिधाई थाना क्षेत्र के समेदा गांव का है, जहां घर में घुसकर रात के 2 बजे दो महिलाओं के साथ दबंगों ने बदतमीजी की, कपड़े फाड़ दिए, मारपीट की, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सुनने ही मिला। जबकि महिलाओं ने डायल 112 पर फोन करके सूचना भी दी, लेकिन रात 2 बजे के बाद से अभी तक दबंगों के घर पर पुलिस ने दबिश नहीं दी, न ही कोई पुलिसिया कार्रवाई की। खाकर पीड़ित परिवार अब ग्रामीणों के साथ सिधाई थाने पहुंचा और न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं ग्राम प्रधान समेत गांव के कई वरिष्ठ नागरिक इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, वो लोग पहले भी इस तरह की कई घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं, लेकिन गांव का मामला होने से गांव के ही लोगों ने सुलह समझौता करा दिया, लेकिन इस बार हद पार हो गई तो सारे ग्रामीण इन दबंगों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में पुलिस कार्रवाई करती या लीपापोती करके मामले को रफा दफा कर देती है। नाम साधना सिंह। अच्छा, क्या मामला आपके घर पे हुई थी, क्या घटना का? सर, हम समेदा के रहने वाली औरत और हमारे हस्बैंड को सुबह में लोग मारने लगे, लकी और गोलू, और काफ़ी लोग भीड़ लगाए थे, और उसके बाद रात में दिन में तो मार दिए, ईंटा पत्थर भी चलाए, फिर रात में ये लोग 9 बजे ईंटा पत्थर चलाए और ये लोग सीढ़ी से हमारे मकान में उतर के हम लोग के साथ बदतमीजी किए, छीना झपटी झोरा झीरी नोचा चोथा सब कुछ किए। हमने 100 नंबर को डायल किया, बात हुई, लेकिन कोई पुलिस वाले पहुँचे नहीं। अच्छा। और हमारी कोई मदद नहीं हुई। आपके परिवार के साथ छीना झपटी हमारे साथ लड़की के साथ किया। लड़की हमारी आजमगढ़ रहती है, उसको हम बुलाए रात में, ये लोग रात में 9 बजे फिर ईंटा पत्थर चलाए, फिर 2 बजे ये लोग फिर हम लोग के साथ छीना झपटी का नतीजा लगा दिए। हाँ, बजे के बाद से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। सर, हम मजबूर होकर के थाने आए हैं सूचित करने के लिए कि हम लोग को बचाया जाए, हम लोग को मदद किया जाए। कोई क्या विवाद क्या है आप लोगों का? विवाद सर ऐसा है कि पहले तो हमारे पड़ोसी का जमीन का मैटर है, उसी को पा करके ये सब आते हैं। आपसे कोई विवाद नहीं? इन सबों से कभी कोई विवाद नहीं है। मिला जुला के महिलाओं के ऊपर ये लोग, हाँ, दबंगई से हम लोग को साथ बदतमीजी के दबी रहे और हम लोग को मारने के लिए लोग कोशिश किए। तो क्या लगता है इस थाना क्षेत्र में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? मदद अभी तक नहीं हुई? कुछ नहीं मदद हुई हमारे, कुछ नहीं। आई ऐसा बहुत गाय और लोग घटना किए, ये तो कल किए सब, हाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है सर। बहुबली हैं सर। पूरा घटना बताइए। रात में झगड़ा लड़ाई हुई, छोना झपटी हुई। कैसे बोलो? रात में छीना झपटी हुई। कौन लोग किए थे? पड़ोस से। नहीं, लकी नाम बताओ। लकी। क्या हुआ उसके बाद? थाने पे आए, थाने पे फोन किया, थाने पे कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया?